आगे बढ़ते हैं। सांसद रामचरण बोरा का कहना है कि पीएम मोदी ने बजट में अंत्योदय की परिकल्पना का ध्यान रखा है। इस बार का बजट भी अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक के लिए बेहतर होगा। बजट में महिला सशक्तिकरण पर फोकस रखा जाएगा। कपड़ा व्यवसायियों की समस्या को भी ध्यान रखा जाएगा। जयपुर के ज्वेलरी बिजनेस से जूता व्यवसाय तक को राहत और लाभ दिए जाने पर फोकस होगा। टैक्स कम और ज्यादा इनकम को लेकर भी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण से बात की गई। तो जयपुर के हीरा व्यवसाय को और ज्यादा तरक्की मिले, कपड़ा व्यवसाय को तरक्की मिले, इस बात को लेकर भी सांसद ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण से बात की है। केंद्रीय बजट से राजस्थान को भी बहुत उम्मीदें हैं और राजस्थान में भी जयपुर को सबसे ज्यादा उम्मीदें रहती है, क्योंकि जयपुर लोकसभा क्षेत्र है वो एक बड़ी अहमियत रखता है देश और दुनिया में। हम जयपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रामचरण बोहरा साहब से बातचीत करते हैं कि इस बजट में क्या कुछ जयपुर को मिल सकता है, किस तरीके से देखते हैं इस बजट को, क्या जयपुर को मिल सकता है। हालांकि कोविड में कई समस्याएं रही है, कोविड बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन क्या लगता है आपको और क्या बेहतर हो सकता है इस बजट में? मैं सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने जब कुर्सी संभाली प्रधानमंत्री की, उस समय से लेकर आज तक अंत्योदय पर काम करने का काम किया। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो कहा करते थे, उनका एक स्लोगन है कि जब तक नीचे बैठे हुए अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता, तब तक दुनिया का, देश का विकास हो नहीं सकता। और मैं कहना चाहूँगा कि आज अंत्योदय पर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो शौचालय निर्माण की बात की हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना की बात की हो, चाहे आयुष्मान भारत की बात की हो, चाहे हाउस फॉर ऑल की बात की हो, चाहे और अनेक प्रकार के महिला समूहों को कैसे ऊंचा उठाया जाए, महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनके लिए एक बात, महिला समूहों में एक आत्मनिर्भर बने उनके लिए अलग से पैकेज देने की बात हो, और अभी आपने जिक्र किया कि कोविड-19 में जिस प्रकार से देश पर जो संकट मंडराया, और माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ी अच्छी अपनी तकनीकी और सूझबूझ के आधार पर इस कोरोना से भारत को उभारने का काम और देश में निर्मित आत्मनिर्भर की जो बात है, उस निर्मित वैक्सीन को लगाकर आज 135 करोड़ लोगों को अमली जामा पहनाने का काम किया, सुरक्षा कवच बनाने का काम किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस बार भी जो ओमिक्रॉन जो आया है, इस पर लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, बाकी इतना कोई हार्मफुल नहीं है। तो कोई बात रखी हो जयपुर के लिए कि जयपुर को ये मिलना चाहिए? अभी आपने देखा होगा कि GST वन नेशन वन टैक्स की बात है, और वन नेशन वन टैक्स के माध्यम से जिस प्रकार से जो लागू हुआ है, और लागू होने के बाद में लोगों को पहले तो फिर भी कुछ हिचकिचाहट थी, बाकी आज लोग बाग उसको एक अच्छा महसूस कर रहे हैं। अभी कपड़े पर 5% से 12% GST लगाने का काम की बात की थी, तो हमने अब जो यहाँ पर डेलीगेशन आए, उन डेलीगेशन के साथ में मैं निर्मला सीतारमण जी से भी मिला हूँ, आपने भी देखा होगा और आपने उसको ट्वीट भी किया है। तो ऐसे ही जूता व्यवसाय पर भी है, ऐसे ही ज्वेलरी पर भी है। तो जयपुर एक ज्वेलरी हब है, तो ज्वेलरी पर और कैसे जयपुर को बढ़ावा मिल सके, तो इसलिए मैंने निर्मला सीतारमण जी से बात की कि कम से कम कम टैक्स और ज़्यादा इनकम, लोकल फॉर वोकल की जो बात माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो लोकल फॉर वोकल, यहाँ का जो आज हीरा जवाहरात का जो काम जयपुर का है, उस हीरा जवाहरात को और तरक्की मिले। आज कपड़ा का व्यवसाय सांगानेरी प्रिंट हो, सांगानेरी रंगाई छपाई का काम हो, जयपुर की रजाइयों का काम हो, अनेक प्रकार की जो हस्तकला से आधारित जो चीज़ें हैं, आज पेंटिंग्स हैं, तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो, कम से कम टैक्स लगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले और आत्मनिर्भर भारत की ओर अगला कदम हो। मैं अभी आपको जानकारी देना चाहूँगा कि रेलवे मंत्री आदरणीय वैष्णव शाह से भी मिला हूँ, और उनको मैंने मिलकर यही कहा कि जयपुर के सब अर्बन स्टेशन बहुत हो गए हैं, चाहे वो हमारा खातीपुरा हो, चाहे हमारा जगतपुरा हो, चाहे हमारा हरमाड़ा, ये हमारा उसका बालाजी का स्थान हो, तो इन स्टेशन को अच्छा डेवलप किया जाए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि अभी गांधीनगर जो हमारा स्टेशन है, उस पर 150 करोड़ की लागत से
एक भारत में तीसरा नंबर का स्टेशन बनने की जो बात है, तो और उसको सुदृढ़ीकरण और उसका नया ड्राइंग बनाकर और विश्व प्रसिद्ध स्टेशन बनाने की हमने बात की है। उम्मीद है कि जयपुर शहर को भी इस बजट में काफ़ी कुछ सौगातें मिलेंगी, या ओवरऑल देखा जाए तो जयपुर शहर के लिए भी ये बजट बेहतरीन होगा, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। बाकी यहाँ के सांसद, जयपुर शहर के सांसद रामचरण बोहरा ने तफसील से भी बताया है कि क्या कुछ मिलने की उम्मीदें हैं, क्या कुछ कोशिश की जा रही है और क्या कुछ कोशिशें की गई है। कैमरा पर्सन विजय के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।